हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने सोनीपत में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का जो हाल हुआ वो सभी ने देखा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके तोते उड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि उनके समय कितने घोटाले हुए। उनका तो काम है, वो तो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, अब ये तो बाहर से आ रही है, तुम प्रदेश से नहीं आ रही है, बाहर से आ रही है। सर, उनके घर में घुसे पांच बदमाश, उनके वर्क नहीं, उसका मैंने पूरी तरह से, मैंने खुद उनसे बात की है और पूरी तरह से एसपी से बात की है मैंने, डीजीपी से बात की है मैंने, और हम उनको पकड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब ऐसा है, भगवंत मान तो कह रहा था कल कि हमें भी चंडीगढ़ में जगह दे दो विधानसभा और हाईकोर्ट बनाने के लिए, और उसका मंत्री कह रहा है कि हम तुम्हारी नहीं बनने देंगे। अरे पहले घर में तो फैसला कर लो, तुम्हारी घर में तो एक आवाज़ होनी चाहिए कि क्या तुम चाहते हो, घर में फैसला कर लो फिर हम जवाब दे देंगे। ये भी कह रहे कि भवन चंडीगढ़ फिर हम जवाब दे देंगे ना, पहले घर में फैसला कर ले, एक जवाब तो आए। अब ऐसा होता है कि हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहेगा क्यों नहीं बनाई, अगर हम बनाएंगे तो कहेगा क्यों बनाई, फिर कहेगा यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनके तोते उड़ चुके हैं, उनके पल्ले अब दाने नहीं हैं, उनकी अपनी पार्टी एक नया, आपने राज्यसभा के चुनाव में देख लिया कि कितनी बुरी दुर्गति हुई है। रायपुर में हर तरह के व्यंजन उन्होंने वहां खिला दिए, लेकिन फिर भी उनके विधायकों ने जो किया सबके सामने। देखिए मैंने कार्रवाई रिकमेंड कर, देखिए वो हम कर रहे हैं, काफी सारे बन गए हैं, औरों को भी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने तो हरियाणा में मैंने हेल्थ के लिए मैपिंग कराने के लिए हमने कदम बढ़ाया है कि हम मैपिंग करें कि कहां पर किस फैसिलिटी की ज़रूरत है। आज तक ये कहीं स्टडी नहीं हुई, सारे देश के किसी प्रांत में नहीं हुई, ये पहला प्रांत है जहां पर हमने ये कदम उठाया है कि हम, आज क्या हो रहा है कि डिमांड बेस्ड कहीं पर लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कह के अपने को डिस्पेंसरी बनवा ली, पर मैं चाहता हूँ नीड बेस्ड कि ज़रूरत के मुताबिक, हम ज़रूरत के मुताबिक कोई सर्वे करके एजेंसी हमें बताए कि कहाँ पीएससी चाहिए, कहाँ सीएससी चाहिए, कहाँ 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ 200 बेड का चाहिए, कहाँ एक्सरे मशीन चाहिए, कहाँ एमआरआई चाहिए, कोई स्टडी तो हो। वो मैं पहले